हेलो एस्पिरेंट्स, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक थ्री डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। आज देखेंगे हम लोग आखिरी तीन डिस्ट्रिक्ट होंगे जो कि तीनों के तीनों आखिरी नए डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट इज 31st, 32nd एंड 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रहेगा, जो 33 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे कंप्लीट कर जाएंगे। तो आज कौन कौन से देखेंगे हम लोग, तो पहला देखेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद हम देखेंगे मुंगेली, एंड देन वी विल सी गौरेला पिंडरा मरवाही। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास विथ सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़, सबसे पहले हम देखते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नए डिस्ट्रिक्ट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है आपका दो डिस्ट्रिक्ट से एनक्लेव करके बनाया गया है, दैट इज बलौदा बाजार एंड रायगढ़। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ पार्ट को लिया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सारंगढ़ को बनाया गया है। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को। आफ्टर दैट सबसे पहले हम देखते हैं हर क्लास में क्या, नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। सो नेशनल हाईवे 130 बी पास करता है कहां से, सारंगढ़ से, और ये यहां सेंटर से पास करता हुआ ऐसा निकलता है। इसी नेशनल हाईवे पे आपका यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दैट इज बिलाईगढ़। तो कहीं क्वेश्चन में आता, क्वेश्चन में आएगा तो नहीं, पर पता होना चाहिए आपको, बिलाईगढ़ इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सारंगढ़ बिलाईगढ़। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भटगांव। ठीक है, देन वी हैव सारंगढ़, सॉरी मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिलाईगढ़ बोला, दैट इज नॉट, सारंगढ़ इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सारंगढ़। ठीक है, देन दिस इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बिलाईगढ़ मैंने गलती से बोल दिया, ये नहीं है। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा सारंगढ़ इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक, सारंगढ़, देन वी हैव यहां बरमकेला। इसके साथ साथ यहां से दो रिवर्स हम बना लेते हैं जो कि है लात और महानदी, ये दोनों पास करती हैं सारंगढ़ से, और ये महानदी है, ये बॉर्डर बनाते हुए ऐसा जाती है आपकी, और ये ऐसा निकल जाती है उड़ीसा की ओर। ठीक है, और वैसे ही यहां से एक आपकी लात रिवर जो है, लात रिवर ऐसा आती है, ऐसा निकलती है। ठीक है, लात कहां से निकलती है, पिथौरा महासमुंद से आती है लात ऊपर, और महानदी तो आपको पता ही है, महानदी आ रही हुई होती, इतने लंबा ट्रेवल करते आती है, शिवरी नारायण में आपका शिवनाथ मिलती है, इसके आगे ये बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इज महानदी, दिस इज उड़ीसा। ठीक है, चलिए, तो जहां पे आपका लात और मांड, लात मांड और ये आपका महानदी मिलती है, वहां मैंने आपको लास्ट क्लास जब शक्ति पढ़ रहे थे हम, तो हमने बताया था चंद्रहासिनी टेम्पल कहाँ है, शक्ति में है, तो यहां पे आपका होगा चंद्रहासिनी टेम्पल। और वैसे ही मैंने बताया था कि नदी के इधर है नाथलदाई टेम्पल, तो ये आता आपका नाथलदाई टेम्पल, जो कि आपका कहाँ होगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। ठीक है, तो ये शक्ति डिस्ट्रिक्ट है, ये जो इधर इधर का इलाका होगा जैसे शक्ति। ठीक है ना, इसके बाद इसी महानदी में एक ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, वो लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़ है, उसका नाम दिया गया है वहां के किंग के नाम पे, दैट इज लेट दिलीप सिंह जुदेव, लेट दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज, सेतु, मतलब सेतु बोलते ब्रिज ही है, और ब्रिज आप देख सकते हैं। ठीक है, बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़ है ये। बिलाईगढ़ में ही आपको एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है किल बिल दाई टेम्पल, किल बिल दाई टेम्पल। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे है एक सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी, दैट इज कॉल्ड एज गोमार्दा सेंचुरी, वो आपका इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये 1975 में बनाया गया था, गोमार सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी कब बना था, 1975 में, और कितना है, 278 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, कहां से रिलेटेड, सारंगढ़ से रिलेटेड। अब हम लोग सारंगढ़ से कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सारंगढ़, सबसे पहले इट इज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, देयर वर 14 प्रिंसली स्टेट, जिनमें एक था आपका सारंगढ़ भी। ठीक है, यहां एक जंगल सत्याग्रह होता है, सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह
जिसको लीड करते हैं धनी राम, जगत राम एंड कुंवर भान। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा बरमकेला, तो बरमकेला से रिलेटेड कुछ चीजें आप देख सकते हैं। बरमकेला से रिलेटेड इसमें आप सबसे पहले एंशियंट शिवा टेम्पल है, यहां एंशियंट शिव टेम्पल, और बरमकेला उस इलाके में काफी फेमस है ये। एंड दिस इज, ये कहाँ पे है, पुजारी पाली में है, 7th-8th AD का है बोला जाता है ये टेम्पल। ठीक है, और दूसरा टेम्पल है केवटिन, केवटिन मंदिर, ठीक है, और टेम्पल ये भी 7th-8th AD का है। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम बना था केवटिन मंदिर, किसके डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम, और किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो क्वेश्चन में आता है केवटिन टेम्पल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। कब का है, 7th-8th AD का है, किसके टाइम का है, तो इट इज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ है। ऑल्सो किससे बना है, तो ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। एंड केवटिन मंदिर इज अ शिवा टेम्पल, ये भी आपको पता होना चाहिए, शिवा टेम्पल, ठीक है, यही आपका एंशियंट शिवा टेम्पल जो है, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार एंड देवगांव, यहां पे आपका मौर्यन एरा कॉइन मिले थे, एरा कॉइन, ठीक है। ऑल्सो यहां पे कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। बीएसपी को बिलासपुर से हमने डोलोमाइट सप्लाई करवाया था, तो उस माइंस का नाम था क्या, आप कमेंट में बताइए कि बिलास जो भिलाई स्टील प्लांट है वहां डोलोमाइट कौन से माइंस से आता है, ठीक है। यहां भी आपको डोलोमाइट मिलता है सारंगढ़ में, ठीक है। चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मुंगेली। हम लोग ये भी अब एक नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मुंगेली, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं द पासिंग नेशनल हाईवे थ्रू इट, दैट इज नेशनल हाईवे 130A, नेशनल हाईवे 130A, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक नदी जिसका नाम है शिवनाथ नदी, और ये शिवनाथ नदी आती है यहाँ, और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, और आइलैंड बना के ये आपकी आगे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी नदी आती है, दैट इज मनियारी, मनियारी, और ये ऐसा तालागांव में जाके शिवनाथ से मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है, तालागांव कहाँ है, बिलासपुर में है, तो ये तालागांव है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये है, ये बीच में मैंने छोड़ा है, ये पूरा पानी ही है, ये पूरा पानी ही है, ये शिवनाथ नदी है, ये है मदकू आइलैंड, ये शिवनाथ है, ये मनियारी हो गया, ठीक है। ये मैंने बताया आपको नेशनल हाईवे 130A, ठीक। मनियारी के ऊपर एक आपका वाटरफॉल है, दैट इज वाटरफॉल बोल रहा हूं मैं, मनियारी के ऊपर आपका एक रिजर्वायर है, परियोजना है, दैट इज कॉल्ड एज खुड़िया परियोजना, जिसको आज राजीव गांधी परियोजना भी बोलते हैं, राजीव गांधी रिजर्वायर। दिस इज, ये जो है खुड़िया विलेज में है, तो इसका नाम था खुड़िया रिजर्वायर, और अब नाम चेंज किया गया बाद में, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, राजीव गांधी रिजर्वायर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको फिर अब देखते हैं हम कुछ, यहाँ मुंगेली है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुंगेली, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे खमरिया, यहाँ पथरिया, यर वी हैव तखतपुर जो बिलासपुर का है, तखतपुर, तो तखतपुर भी बैंक ऑफ मनियारी है, हमने पढ़ाया था ना आपको जो बिलासपुर पढ़ा रहे थे हम, ठीक है। देन वीयर वी हैव लोरमी, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है, यहीं से निकलती है आपकी क्या, मनियारी, जो मनियारी निकली थी वो निकलती है ना, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू है ये जो इलाका है, ये आपका है पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, ठीक है, क्या है, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, ठीक है। पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू जो है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइकल रेंज,
आपको ये पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पिंडरा लोरमी पैट्यू वहीं तक का एंड करता है, ऊपर तक जाके राजनांदगांव से चालू होकर मुंगेली तक है ना, तो वो पिंडरा लोरमी प्लेट्यू इज ऑल्सो अंडर माइकल रेंजेस। ठीक है, माइकल रेंजेस। ठीक, चलिए। एंड हियर वी हैव अ टेम्पल कॉल्ड सत्यनारायण टेम्पल। ठीक, तो यहाँ पे हमने सब चीजें देख ली हैं रिलेटेड टू मुंगेली। अब हम लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स दैट इज रिलेटेड टू। पहले लिखते हैं मनियारी से। मनियारी के ऊपर मैंने आपको बताया खुड़िया रिजर्वायर है, जिसका नाम अब हो गया राजीव गांधी रिजर्वायर, हो गया ना जी, गांधी। ठीक है, ये कहां पे है? इट इज नियर द खुड़िया विलेज। खुड़िया विलेज के पास में है ये। ठीक है, खुड़िया विलेज लोरमी, लोरमी। ठीक है, सेकेंड तीसवा एंड अगर, ये दो रिवर के नाम है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मनियारी रिवर। क्वेश्चन में आता है तीसवा रिवर और अगर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मनियारी रिवर। ठीक है, जैसे अरपा हम किसकी है आपको पता होना, मुस्का भी परिया हमने पढ़ा, ये सारी सारी रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी होती है। जो वो पढ़े हमने वो शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी थी, वैसी ये तीसवा किसी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देन वी हैव खर्रा घाट। खर्रा घाट में आपका गणेश्वर महादेव है, गणेश्वर महादेव। ठीक, और दूसरे महादेव आते हैं आपका सारा सारा गांव में। सारा गांव में आपके दूसरे महादेव हैं, दैट इज धूमेश्वर महादेव, महादेव। ठीक है, दो महादेव हम लोगों ने देखे, पहला खर्रा घाट में और दूसरा सारा गांव में। पहले जो खर्रा घाट में देखा वो हमारे गणेश्वर महादेव हैं, और दूसरा हमने देखा कहा सारा गांव में, सारा गांव में आपका धूमेश्वर महादेव। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने मधुकू आइलैंड देखा। मधुकू आइलैंड ये क्या है, देखिए ये जो शिवनाथ नदी है ना, शिवनाथ नदी जब अपना बेंड करती है तो वहां पे जो आपका डिपॉजिट्स ऑफ सैंड है काफी साल से हो रहे थे, तो वहां पे एक टापू टाइप का बन गया जो कि बीच में है किसके, शिवनाथ नदी के। तो उस टापू को, जैसे आप लोगों को पता होगा इंडिया में एक बड़ा एक फेमस टापू है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, जो वेस्ट बंगाल में है, तो वैसे ही इसीलिए हमको छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही है। शिवनाथ के ऊपर इकलौती नदी है जहां एक कोई आइलैंड है छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में जो मधुकू आइलैंड है उसको बोलते हैं मजूली ऑफ छत्तीसगढ़। लिख लीजिए उसके बारे में, इट इज द ओनली आइलैंड ऑफ स्टेट मेड बाई रिवर। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज मजूली ऑफ छत्तीसगढ़, मजूली छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दिस इज अ क्रिश्चियन पिलग्रिमेज साइट। यहाँ पे क्रिश्चियन पिलग्रिमेज होता है, हर साल यहाँ फेयर होता है क्रिश्चियन लोगों का। ठीक है, मेला होता है, मसीह मेला बोलते हैं उसको, हर साल वहां होता है। देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिंदू, ये भी पता होना चाहिए आपको, हिंदूज। ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड बस हो गया, इससे इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने की। अच्छा, यहाँ पे आपको और पता होना चाहिए, यहाँ पे एक सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़नी है, उस सेंचुरी का नाम है अचानक मार सेंचुरी, वो यहाँ पे पढ़ती है आपकी। और इस सेंचुरी का नाम है क्या है, यहाँ लिखते हैं अचानक, अनूपपुर का इलाका जो है इससे एडजेसेंट है ये, अचानक मार सेंचुरी। ये सेंचुरी बनी थी 1975 में और 2005 में इस सेंचुरी को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, एंड इट इज 14th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, देन 2006 इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ठीक है, टाइगर टाइगर रिजर्व। तो ये डेट्स पता होना चाहिए, 1978 में अचानक मार सेंचुरी बनाई गई,
इसको 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रखा गया, दैट इज 14th इन नंबर इन इंडिया। देन इन 2006 इसको प्रोजेक्ट टाइगर यहां पे आया, एंड इन 2009 इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो डेट्स स्पेसिफिक याद होने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, एंड इट इज 14th इन नंबर। ये 5-6 क्वेश्चन यही बन जा रहे हैं, आप लोग देखना चाहें तो, ठीक है, देखें तो आप लोग 5-6 क्वेश्चन यहीं के यहीं बन जा रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम लोगों ने तीनों डिस्ट्रिक्ट तो आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हमने पढ़ा सारंगढ़ बिलाईगढ़ पढ़ा हमने सबसे पहले, देन वी हैव रेड अबाउट द मुंगेली, मुंगेली के बारे में हमने सब चीजें देखा, देन वी हैव दो ही डिस्ट्रिक्ट तो पढ़े हमने अभी ना, हाँ ठीक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट बचा है हमारा गोरिल्ला पिंटरा मरवाही, गोरिल्ला पिंटरा मरवाही हम लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट और करना है, उसके बाद ये क्लास खत्म होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को करते हैं, दैट इज गोरिल्ला पिंटरा एंड मरवाही, ये तीन डिस्ट्रिक्ट को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए, तो गोरिल्ला पिंटरा मरवाही जो है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिवर कौन सी पास करती है यहाँ से और रोड कौन सा है। देखिए यहाँ पे ना कोई इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे तो नहीं है, मगर यहाँ पेंड्रा रोड है जो अनूपपुर की ओर जाता है, तो ये एक आपका पेंड्रा रोड है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेंड्रा रोड। ठीक है, और ये यहाँ पे इसी पेंड्रा रोड में आपका पड़ता है गोरिल्ला, ठीक, यहां पड़ता है आपका मरवाही, यहाँ पे आपका पेंड्रा। ठीक है, ये यहां से बीचों बीच एक नदी जाती है इस डिस्ट्रिक्ट के, दैट इज कॉल्ड अरपा। ठीक है, अरपा ये बिलासपुर जाती है ना, अरपा फिर बिलासपुर के सेंटर से जाती है, तो यही अरपा है वो। ठीक है, और ये निकलती कहां से है, तो खोंगसे खोंगसर, ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, ये वाला इलाका, क्या नाम है इसका, खोंगसर हिल। ठीक है, यहां से निकलता है अरपा, और अरपा इस डिस्ट्रिक्ट में अरपा का इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो हर साल जिस दिन गोरिल्ला पिंडरा मरवाही डिस्ट्रिक्ट बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, उस दिन को अरपा महोत्सव या अरपा फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, और वो डेट है 10th of फरवरी 2020 में बना था ना ये 10th of फरवरी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव हियर जालेश्वर महादेव, ठीक है, पेंड्रा हो गया, सब चीजें हो गई, कुंसी कुंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पेंड्रा। छत्तीसगढ़ की पहली मंथली मैगजीन वो है जो पेंड्रा से ही आई थी, पेंड्रा रोड से, वो उसके एडिटर थे उस टाइम पे माधव राव सपरे जी, और उसमें असिस्टेंट उनके थे राम राव चिंचोलकर। ठीक है, तो क्वेश्चन में काफी बार पूछा हुआ है, क्या पूछता है, छत्तीसगढ़ की फर्स्ट मंथली मैगजीन कहां से आई। ठीक है, उसका आंसर होगा पेंड्रा। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्रा। कब आई, तीसरा क्वेश्चन, 1900 AD। Who was the editor of monthly first monthly magazine of Chhattisgarh? That was named as Chhattisgarh Mitra, जो कि चालू हुआ 1900 में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, एडिटर है माधव राव सपरे जी। ठीक है, एंड ही वॉज असिस्टेड बाई राम राव चिन चोलकर। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पेंड्रा के बारे में जान लिया। ऑल्सो द इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ का क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ गोरिल्ला पेंड्रा इज अंजनी, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अंजनी। फिर हम लोग धनपुर के बारे में देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। धनपुर में आपको ये जो आपका गोरिल्ला पेंड्रा में है जैन स्कल्पचर मिलता है, दैट इज एनक्रिप्टेड इन स्टोन। ठीक है, स्टोन में लिखा हुआ स्क्रिप्चर मिलता है, नियोलिथिक एज का है वो, इट इज नियोलिथिक एज
साइट, ठीक है, ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल साइट। तो ये इतना हो गया, चलिए हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। काफी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं। तो गौरेला पिंडरा मरवाही, तो हमने सबसे पहले आज क्या देखा, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर देन वी हैव सीन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज मुंगेली, और उसके बाद हमने देखा गौरेला पिंडरा मरवाही। तो गाइज आप लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। अभी तक ये सारे 33 डिस्ट्रिक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विद एवरीबॉडी। जो भी तैयारी कर रहा है आपके साथ में, दोस्त पहचान में, भाई भाई कोई भी, आप शेयर कीजिए, बिकॉज इतना प्रिसाइज नॉलेज इतनी आसानी से इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है इंग्लिश में हमारे छत्तीसगढ़ में। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब और कीप स्टडिंग गाइज, लेट्स मीट इन